गाइस वेलकम टू माय चैनल, दिस इज नियति। और आज हम करने वाले हैं पेपर क्राफ्ट। यस, आज हम बनाने वाले हैं कार्ड क्रिसमस के लिए। विंटर सीजन आ गया है, विंटर सीजन यानी कि क्रिसमस सीजन, तो मैंने सोचा क्यों ना कार्ड बनाया जाए। डेफिनेटली इस वीडियो से बच्चों को तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी कार्ड बनाने में, बट हाँ, बड़े भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हैंडमेड कार्ड्स होते ही इतने अट्रैक्टिव हैं और इतने ज़्यादा उनसे कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, तो वो ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल सा एक कार्ड बनाने वाली हूँ जो कि बहुत क्यूट लगने वाला है। तो मैंने यहाँ ऑरेंज कलर में रेक्टेंगल शेप में एक क्राफ्ट पेपर लिया हुआ है और सिंपली उसे बीच से फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद मैं वाइट पेपर से दो सर्कल ड्रॉ करके उन्हें कट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इन्हें इस तरीके से यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। जैसा जैसा प्रोसेस मैं करती जा रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही दोहराते जाना है और आपका कार्ड बहुत ही सुंदर सा बन जाएगा। तो मैं यहाँ ज़्यादा चीज़ों का तो उपयोग नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही हमें सिंपल सा कार्ड बनाना है ताकि हर कोई बना सके। ज़्यादा चीज़ें बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए मैं बहुत ही कम सामान से ये बना रही हूँ कार्ड। और जो भी बचे कुचे पेपर है आप उससे भी बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, हमारा मेन फिगर जो है स्नोमैन का, वो तो हो गया है। और इसके बाद मैं यहाँ हेड ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद उसे कट कर लूँगी। ये जो ब्लैक पेपर है ये भी मेरे पास बचा हुआ था, तो मैं बस इसी से बना रही हूँ ये हेड अपने स्नोमैन की। तो यहाँ हमने अपने स्नोमैन को जो है हेड पहना दी है, और इसके बाद जो है मैं ब्लैक कलर के दो छोटे छोटे सर्कल कट कर लूँगी ताकि मैं इसके आईज़ बना सकूँ और उसे स्टिक कर दूँगी। और ये जो पेपर में होल करने वाली मशीन आती है ना, शायद इसे होल मेकर कहते हैं या फिर पेपर पंच कहते हैं, और इससे मैं ना वाइट कलर के पेपर के छोटे छोटे सर्कल जो है वो कट कर लूँगी, और इसके बाद ब्लैक कलर का जो ये पेपर है इसमें भी छोटे छोटे सर्कल जो है वो कट कर लूँगी। और ये जो ब्लैक कलर का पेपर का जो सर्कल हमने कट किया है ना, इससे मैं स्नोमैन के स्नोमैन में बटन्स क्रिएट कर रही हूँ। आई डोंट नो, उसमें कपड़े तो होते नहीं हैं, बट फिर भी ये बटन जो है वो बहुत क्यूट लगता है। तो मैं यहाँ बटन्स के को शो करने के लिए यहाँ पर पेपर अटैच कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ बना रहे हैं हमारे स्नोमैन की नोज़, जो कि बहुत ही क्यूट है। ऑरेंज कलर का ये जो पेपर था ना, इसकी मैंने पतली सी स्ट्रिप काटी है और बस उसे ही ग्लू से जो है स्टिक कर रही हूँ। और इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ अटैच करूँगी हमारे स्नोमैन के हैंड्स, जिसके लिए मैं बाहर से सूखी झाड़ियाँ ले आई थी, दो चार लकड़ियाँ उसमें से तोड़ ली थी मैंने। और जो ना ऐसे हो ना, सामने से दो तीन उसमें से निकली हुई लकड़ियाँ हो, वो वाली लेनी है हमें, तो मैं बस वैसे ही तोड़ के लाई थी। तो बस इसे ही मैं ग्लू से जो है स्टिक कर रही हूँ यहाँ पर। आप चाहे तो ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं, अगर फेविकोल से ना हो पाए आपसे स्टिक, तो फिर तो मैंने तो फेविकोल लिया था और हो गया था अच्छे से स्टिक। और इसके बाद देखिए, जो बाकी का बैकग्राउंड है ना, उसमें हमें ग्लू लगाना है। और इसके बाद जो हमने जो वाइट कलर के पेपर का सर्कल जो है कट किया था ना, बस उसे जो है सिंपली इसमें स्टिक करते जाना है। ये जो है हमें स्नो का इफेक्ट देगा, अगर स्नो गिर रहे हैं छोटे छोटे से, ऐसा दिखने लगेगा ये। तो बस मैं वही बना रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, क्यूट लग रहा था। तो बच्चे तो इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप ये कार्ड प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इसके बाद ये जो हमने आईज बनाई थी ना, इस पर मैं वाइट कलर के पेन से जो है डिटेल कर रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहे तो वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा स्नोमैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो मैंने तो अपने स्नोमैन का नाम स्नो ही रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था मुझे ये। और बस मैं इसे ही बना रही हूँ, और साथ में मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे स्टार बना लूँ। तो रेड कलर से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्टार बनाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और कार्ड का कवर जो है वो तो रेडी हो चुका है, बट अंदर जो है वो खाली था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें विशेष लिखी जाए। मैंने तो ये कार्ड क्रिसमस के लिए बनाया था, तो मैं यहाँ मैरी क्रिसमस लिख रही हूँ। आप न्यू ईयर के लिए भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी और ओकेज़न के लिए भी ये कार्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारा स्नोई तो बनके बिल्कुल ही रेडी हो गया है। आपको ये कार्ड कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको आर्ट बहुत पसंद है और आप और भी ज़्यादा आर्ट से जुड़े रहना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये कार्ड कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।